हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशिक के टेक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें या कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर दोस्तों ओपन करेंगे, यहाँ पे PFMS सर्च करेंगे। दोस्तों PFMS सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है। दोस्तों यहाँ पे जब दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, ये आपकी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की एक वेबसाइट है। दोस्तों यहाँ से गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल संबंधित कार्य होते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे PFMS डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है नाउ योर पेमेंट ट्रैक NSP पेमेंट और ट्रैक DBT डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट वाली साइट पे क्लिक करेंगे नाउ योर पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे नाउ योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे अपना बैंक का नाम डाल लेना है दोस्तों, जो भी आपका बैंक हो, और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे नीचे डाल लेना है। दोस्तों डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों कैप्चा फिल कर लिए, जैसे यहाँ पे जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे गेट OTP पे। तो यहाँ पे अगर आपका नंबर यहाँ पे लगा होगा बैंक में तो यहाँ पे वो नंबर आपका शो कर रहा होगा, अगर नहीं लगा है दोस्तों तो ये यहाँ पे नहीं शो करेगा। तो दोस्तों दूसरी बार यहाँ पे SMS बैंकिंग क्लिक अकाउंट बैलेंस ट्रिप पे क्लिक करेंगे। एक दूसरी वेबसाइट दोस्तों सर्च करेंगे बैंक लिंक बाय मोबाइल नंबर। तो वहाँ पे जो भी बैंक आपका हो वो बैंक लगा के आप सर्च करेंगे, जैसे कि मेरा बड़ौदा है तो मैंने सर्च किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया सामने दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप इंस्टेंट बैंकिंग और SMS बैंकिंग पर्सनल लोन होम लोन ETC आप बहुत सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सर्च करेंगे फॉर्म। फॉर्म पे सर्च करने के बाद दोस्तों ये आपको डाउनलोड फॉर्म आपको फर्स्ट वाली साइट पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नाउ मोर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नाउ मोर पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे वीडियो को तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म RTGS NEFT पेमिंग स्लिप डाउनलोड या नेट बैंकिंग फॉर्म रिलेटेड यूजर नेट बैंकिंग फॉर्म कॉरपोरेट यूजर डेबिट कार्ड या ATM कार्ड डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म बड़ौदा गिफ्ट कार्ड, ऐसे बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे हैं। लिस्ट वैलिड KYC डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों आपको फॉर्म दिख जाते हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या अपना KYC आधार लिंक करना चाहते हैं तो दोस्तों वो फॉर्म यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा है कंसेंट फॉर आधार सेंडिंग फॉर्म। तो यहाँ पे इस फॉर्म को दोस्तों हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद PDF में कुछ इस तरीके का हमारे पास खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं शाखा प्रबंधक बैंक शाखा, यहाँ पे ये फॉर्म भर लेंगे केवल गैर लेन देन और यहाँ पे जो भी है जो भी डिटेल है यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर तरीके से भर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं खाता धारक को के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, खाता धारक का नाम मोबाइल नंबर ईमेल ID और आधार, यहाँ पे सब अपनी डिटेल पूरी इंटर कर लेंगे दोस्तों। इंटर करने के बाद दोस्तों इसे हम नज़दीकी अपने बैंक में जमा कर देंगे। जमा करने के 24 घंटे के बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो जाएगा, आधार सेंडिंग लिंक हो जाएगा और आपका यहाँ से पूरा
डेटा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है एक तरीका था दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर व आधार अपडेट करने का, केवाईसी करने का। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन सुविधा कोई बैंक अकाउंट लिंक करने की, मोबाइल नंबर लिंक करने की बैंक में कोई सुविधा नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।